अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड में कुछ इस तरह का नज़ारा है और इधर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत का। तो फ्रेंड्स ये है टिकट घर जो कि नवाज वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान लखनऊ। ये है टिकट घर, चिड़ियाघर का जो कि यहाँ टिकट मिलता है और यहाँ पर टिकट मिलता है 80 रुपये में। और ये सामने जो कि मेन गेट रहे, चलते हैं अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को अंदर का नज़ारा कैसा है अंदर। और यह टिकट पर और हमें आ चुके हैं अंदर। सर ठीक बैग भैया जी नहीं कुछ नहीं जी नहीं बस सिर्फ कपड़े दो सेट कपड़े इसमें। तो यह सामने का जो कि लखनऊ चिड़िया घर और ये देख सकते हैं सामने कुछ पानी गिर रहा है यहाँ पर जो कि शेर और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। सामने का अंदर गेट के अंदर आने के बाद कुछ खूबसूरत का नज़ारा ऐसा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसके अगल बगल का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छा है, कमाल की जगह भाई साहब। अगर आओगे यहाँ पर आप लोग तो काफ़ी मज़ा काफ़ी इंजॉय आने वाला है। और पानी कुछ इस तरह का आ रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है। और ठीक इसके राइट सामने जो कि इधर है आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि हिरन यहाँ पर सामने है और काफ़ी फुलवारियाँ गजब की है। अंदर आ चुके हैं आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड में कुछ इस तरह का नज़ारा है और इधर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छा अंदर का नज़ारा है काफ़ी ज़बरदस्त। और आइए मैं आप लोगों को अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या अंदर है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अंदर से अंदर का नज़ारा कैसा है। कुछ इस तरह का है इधर देख सकते हैं आप लोग स्टैचू, यहाँ लाइन का स्टैचू है और उधर चीता का है इधर सामने। और अंदर कुछ इस तरह का इधर काफ़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली आ चुके हैं जो कि यहाँ पर जो कि पर्यटक आते हैं जो लोग घूमने फिरने के लिए जो उसके बाद फिर आराम करने के लिए यहाँ सब जो कि सामने यहाँ पर बैठते हैं। और आइए हम दिखाते हैं इसके जस्ट सामने बगल में जो कि नक्शा है, इस नक्शे में दिखाया गया है कि कौन सा जानवर कहाँ पर है। तो आइए हम आपको चल के दिखाते हैं। हमारे साथ में जो कि चंदन भाई हैं और रोशन भाई हैं हमारे साथ में, तो आइए हम इन लोगों से मिलाते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो कि चंदन भाई हैं और रोशन गाजीपुरिया जी हैं। तो भाई इस पार्क में आके आप लोग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो सारा घूमना बाकी है। और रोशन भाई आप कुछ बोलो। हमारे अच्छा बहुत मजा आ रहा है, आइए आप लोग ले चलते हैं। तेंदुआ शेर भालू अजगर वजगर जितने भी जानवर है सब दिखाएंगे आप लोगों को। तो आइए चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से कि कौन सा जानवर कहाँ पर है। आइए काफी यार बहुत जगह अच्छा है जगह है, मतलब काफी मतलब यहाँ का भी जबरदस्त अच्छा है और घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे हमारे जो कि यहाँ पर जो कि रेलवे ये जो पटरी है तो इससे भी मतलब घूमने के लिए लोग काफ़ी लोग आते हैं जो कि सामने वहाँ पर रेलवे अवेलेबल है वहाँ पर जो कि टिकट लगता है उसका भी घूमने के लिए, तो काफ़ी लंबा है इसलिए लोग घूमते भी हैं। तो आइए चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सा जानवर कहाँ पर है। तो आइए आप लोग बैक कैमरे से दिखाता हूँ और कुछ इस तरह का हमारे सामने देख सकते हैं आप लोग हैं यहाँ पर जानवर। आप लोग मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ काला हिरन का जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसमें सफ़ेद काले और कई प्रकार के यहाँ पर हिरन हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हिरन यहाँ पर हैं, कुछ इस तरह के हिरन हैं। काफ़ी मात्रा में हिरन यहाँ पर है। आइए आप लोग को दिखाते हैं इसके आगे चल के यहाँ का व्यू। अभी सुबह हुआ इसलिए जो कि अभी भीड़ आ रही है इकट्ठा हो रही है धीरे धीरे, मतलब काफ़ी देर तक भर जाता है इसमें।
काफ़ी मतलब दूर दूर से लोग आते हैं इसमें घूमने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ चल के आगे से, मतलब कि कहाँ कहाँ पर और मतलब जो कि जानवर हैं। हम चलते हैं दूसरे नंबर पे और देख सकते हैं जो कि यहाँ पर जिसे इस के अंदर जो कि पक्षी उछी और सांप पिछले का इसमें है, तो ये मैं चल के आपको दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा है, काफ़ी दूर में इसलिए नंबर वाइज है इसमें। तो ये चलते हैं, हम चल के आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं कि इसमें मतलब पक्षी और स्नेक सांप और बचका उसका कैसा है। आइए चल के दिखाते हैं आप लोगों को, अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर पक्षी छी का लगाया हुआ है पोस्टर और कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर जो कि यहाँ पर स्नेक यानी सांप को लगाया हुआ है। और आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि सामने जो कि यहाँ पर अजगर का बच्चा जो कि रेंग रहा है, कुछ इस तरह का आप लोग देख सकते हैं। और आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर जो कांच लगाया हुआ है ताकि मतलब वो बाहर ना निकल सके, किसी को खतरा ना पहुँचा सके। तो यहाँ पर जो कंबल उम्बल भी लगाया गया, ढका हुआ है यहाँ पर कंबल में लगा कर, क्योंकि ठंडी में भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए व्यवस्था भी इसमें काफ़ी किया गया है अच्छा से। और कुछ इस तरह का स्टैचू देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। और आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो कि पक्षी हैं, जो कि तोता है इसमें, पैरट देख सकते हैं इसमें वो लोग उड़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस सामने। और यहाँ पर पानी पीने का उनका व्यवस्था किया गया है। और कुछ एक सामने और है यहाँ पर जो कि सफ़ेद कबूतरे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नज़दीक से एकदम पास में हम क्या क्या हैं, यहाँ पर जो कि कबूतर हैं सफ़ेद वाले पास में आ गए हैं अजगर के, देख सकते हैं जो कि हमारे बैक साइड में इसमें पास है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक साइड से, काफ़ी मतलब मोटा काफ़ी बड़ा है, तो ये दिखाते हैं आप लोगों को जो कि अजगर है। और फ्रेंड्स इसमें लगता है कि दो हैं क्योंकि इसमें कलर चेंज है, देख सकते हैं आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब हम आ गए हैं किसी दूसरे पड़ाव पर, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि बारह सिंघा है यहाँ पर बैठे हुए हैं बारह सिंघा, जो कि नज़दीक से दिख रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत। किसी और पड़ाव पर देख सकते हैं जो कि हमारे जो कि बैक साइड में देख सकते हैं कि दो पक्षी, एक नर एक मादा जो कि शुतुरमुर्ग है। और यहाँ जो कि स्कूल से जो कि टीचर और अध्यापक जो कि यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं जो कि देखने के लिए। और जैसे सामने जो कि यहाँ पर जो कि ट्रेन की व्यवस्था की गई घूमने के लिए, जो कि यहाँ पर आप लोग मतलब बैठ के इस पर घूम सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी दूर में इसका जो कि बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये पार्क मतलब काफ़ी बड़ा है, जो कि चिड़ियाघर काफ़ी बड़ा है। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा दिखा दूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा आप लोगों को दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वीडियो बनाने में और बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा। और घूमते घूमते बता रहे हैं दोस्तों कि पैर भी दुखने लग रहा है। आप लोग यहाँ पर काफ़ी लोग दूर से आए हुए हैं देखने के लिए, स्कूल के बच्चे। और इसमें देखते हैं लायन जो कि दिख रहा है, आइए मैं आप लोग नज़दीक से दिखाता हूँ टाइगर का जो कि बनाया गया है बाघ का। और आइए मैं आप लोग दिखाता हूँ जो कि अंदर कुछ दूरी पर बैठा हुआ है, और जो दोनों जो दिख रहे हैं जो उसमें बैठा हुआ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जूम करने के बाद दिख रहा है लेकिन सामने और लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखा सकते यहाँ पर जो कि सामने बैठा हुआ है इसमें जो कि बाघ बैठा हुआ है, और इसके सामने जो कि शेर उसको आइए चल के मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, लेकिन इसमें कुछ दूरी पर इसलिए पर साफ दिख नहीं रहा है और कोशिश करके आपको दिखाऊंगा मैं इसे। और आइए मैं दिखाता हूँ आपको, इस साइड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो कि लायन जो कि जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जा रहा है सामने उधर। और इसमें दो हैं, एक सामने से इधर से जा रहा है।
इसमें व्यवस्था गजब का किया गया है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था, मतलब अच्छे से इसमें जो कि ज़बरदस्त उसमें जो कि व्यवस्था किया गया है, फुल सिक्योरिटी है इसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं इसमें घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी लोग सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। और इधर देखिए सामने जो कि बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर कुछ दूर से बैठा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों कुछ इस तरह का, जो कि हमारा इसमें जो कि ब्लर ब्लर सा हो जा रहा है, लेकिन देख सकते हैं हम आ गए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं भालू, दो दो भालू हैं यहाँ पर जो कि अंदर बैठे हैं, इसलिए पूरा साफ दिख नहीं रहा है, देख सकते हैं कितनी लंबाई कितनी ऊँचाई है, लेकिन इसे काफ़ी अच्छा से दिख नहीं रहा, लेकिन देख सकते हैं हमारे सामने जिराफ जो सामने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सामने से, काफ़ी दूर पर दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन देख सकते हैं इतना तो समझ जाएंगे ये जिराफ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी लोग जो कि अपना फ़ोटो वोटो शूट भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं कैंटिंग सामने, जो कि मतलब घूम फिर कर जो कि मतलब आते होते हैं लोग जो थक जाते हैं या फिर भूख प्यास लग जाती है, तो इसमें आके मतलब खाना ना खाते हैं, पानी पीते हैं इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टेबल लगा हुआ है, बगल में आइसक्रीम है, और कुछ इस तरह का आप लोग देख सकते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, अच्छा से अच्छा चीज़, और जो कि मतलब इतना अच्छा व्यवस्था है इसमें बैठने उठने के लिए भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इसका स्टैचू लगा हुआ है सफ़ेद, जो कि बाघ है यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर एक सामने से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक आ रहा है डोला सफ़ेद बाघ है जो कि, और एक यहाँ पर इस सामने जो कि सोया हुआ है, बैठा हुआ सोया हुआ है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इस अंदर जो जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ जो कि अंदर से बाहर आ रहा है, मतलब इन लोग को देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ है यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रही है। और आइए मैं चल को दिखाता हूँ कुछ और जो कि जानवर, और काफ़ी लोग जो कि दूर दूर से अपना जो कि वीडियो भी बना रहे हैं, जो कि देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड से तो यहाँ पर जो गुफा बनाया गया, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टैचू की यहाँ बब्बर शेर है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बब्बर शेर, काफ़ी लोग जो कि दूर से यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ मात्रा में आप लोग यहाँ पर हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर जो कि बैठा है बब्बर शेर, यहाँ पर दो हैं काफ़ी दूर, कुछ इस तरह का देख सकते हैं आप, कुछ ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, लेकिन एक कुछ इसमें पौधे जाम है, इसलिए उस पौधे में बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं यहाँ कुछ मुंडी हिला रहा है बब्बर से। तो फ्रेंड्स ये लोग जा रहे हैं जो टिकट कटा लिए, और ये लोग जा रहे हैं बैठने के लिए इसमें घूमने के लिए, और मतलब इसमें भीड़ आ रही है अब धीरे धीरे, एक आध घंटे में जो कि भर जाएगा एकदम, उसके बाद ट्रेन चलेगी। कुछ इस तरह का इसका नज़ारा था, और इस सामने जो कि इसका टिकट काउंटर है, तो फ्रेंड्स सही रहा। और इस सामने जो कि बैठने वाला सिस्टम है, जो कि अगर घूमते घूमते जो थकाई आ जाती जो लोग मतलब तो यहाँ पर आराम करते हैं, कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों एक बार फिर हम जो कि पूरा लखनऊ का जो चिड़ियाघर घूमते घूमते अपने लखनऊ चिड़ियाघर घूमते घूमते फिर एक बार फिर गेट मेन गेट के सामने आ गए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर जो कि एक गेट है, फिर हम यहाँ से निकलने वाले हैं बाहर। तो दोस्तों तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो कि अब बाहर आ चुके हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबी कतार में लाइनें लगी हुई हैं, काउंटर पर लाइन लगाए हुए हैं जो कि अंदर जाने के लिए, और कुछ देख सकते हैं ये मेन गेट जो यहाँ का है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा भाई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।